गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने इस बुक से एमसीक्यू लगा लिया है, मैंने ये बुक से पढ़ लिया है, मैंने ये पूरी थ्योरी पढ़ ली है, तो क्या सर मेरा टेक्निकल अब पूरा हो गया है, अब मैं टेक्निकल्स मान सकता हूँ मेरा टेक्निकल पूरा हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टेक्निकल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, और ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये व्यापम ने सिलेबस डाला हुआ है। तो व्यापम ने सीधा सीधा लिख दिया ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिकल, और आप इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि ये तो बढ़िया है, सिर्फ 35 टॉपिक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहेंगे ना तो आपको आपका सिलेबस कभी मिलेगा ही नहीं। व्यापम ने जो डाला है वो सिलेबस नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक पॉइंट जो लिखा गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एग्जाम्पल के लिए पहले लिखा है परफॉर्म बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल टूल्स, तो ये एक सिलेबस का टॉपिक है। जैसे 5th, 5th पे लिखा है मेजर द वेरियस पैरामीटर, है ना। उसके बाद 8th में लिखा है असेंबली सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई। तो ये जो है ना एक टॉपिक है, ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस का जो पोर्शन है ना वो इसके अंदर है पर्टिकुलरली, बट वो कई बच्चों को पता ही नहीं है कि वो हमको क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, क्या हमको मिल। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बस वो पूरा कन्फ्यूज है। कोई एक मार्केट से किताब खरीद के ले आए हैं और उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ना चालू कर रहे हैं, सोच के हमने एमसीक्यू लगा लिया, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। व्यापम ने जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सिलेबस से। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का सिलेबस, जहाँ पर व्यापम ने डाला है परफॉर्म बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल टूल्स फॉर फिटिंग। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये वाले जो कॉलम दिए है ना ये है मेन, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसमें आपको सेफ्टी और हेल्थ के बारे में पढ़ना है, एनवायरमेंट गाइडेंस के बारे में पढ़ना है, आपको आइडेंटिफिकेशन जो कॉमन हैंड टूल्स उसके बारे में पढ़ना है, आपको फाइल्स के बारे में पढ़ना है, उसका शेप क्या होता है वो पढ़ना है, रिबेट और टैग लग्स के बारे में पढ़ना है। आप सिर्फ व्यापम का सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें पढ़ने के लिए देखिए इतना सारा कुछ है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, सेकेंड टॉपिक अगर अपन देखेंगे तो है सेलेक्ट एंड परफॉर्म इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ऑफ सिंगल रेंज मीटर्स। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, तो यहाँ से आपको ये है टॉपिक जो आपको व्यापम पूछेगा, वो क्या है, बेसिक टर्म है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना, आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना, वोल्टेज के बारे में पढ़ना, आपको सिंगल फेज थ्री फेज के बारे में पढ़ना है। तो ये मेन सिलेबस है अंदर का, सिर्फ वो जो आपको व्यापम में दिख रहा है ना उसके हिसाब से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कभी आपका सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप तो सिलेबस को जानिए, आपका सिलेबस कहना क्या चाह रहा है, आपका सिलेबस है क्या। फिर देखिए एक और है टेस्ट एंड सर्विस डिफरेंट बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता ही नहीं कि बैटरी में क्या पढ़ना है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस ये कह रहा है कि आपको बैटरी की कंस्ट्रक्शन पढ़ने की, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी कैसे बनती है, उसके अंदर का मटेरियल क्या होता है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, हाइड्रोमीटर का यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और सेल और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो अपन डालते हैं उसका यूज़ क्या होता है, किस किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी, आपको ये पढ़ना है, ये आपको तब पता चलेंगी जब आपके पास सिलेबस होगा। फिर से देखते हैं प्लान एंड एग्जीक्यूट सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग। इससे आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है आपको कि सोल्डरिंग गन के बारे में पढ़ना है, कैसी होती है, उनका टेम्परेचर क्या होता है, उनकी टिप्स किससे बनती है, ग्रेडिंग क्या होती है फ्लस्क की जो आप सामने इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंस स्विच और उनके यूजेस पढ़ना है। तो आपकी जो भी ट्रेड होगी ना तो आप सबसे पहले ना सिलेबस को देखिए, आपके सिलेबस के अंदर के टॉपिक्स क्या हैं। मतलब इतनी वो मची हुई है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा, और मैं बहुत सारे वीडियोस भी देख रहा हूँ, लोग बता भी नहीं रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना, बस लोग बोल रहे हैं एमसीक्यू लगा लो, ये लगा लो। भाई एमसीक्यू लगा लो बट उसके अंदर आपका सिलेबस भी तो होना चाहिए। अब देखिए, अगर अपन ने देखा असेंबली सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट एंड टेस्ट, आपको समझ में आएगा इसमें क्या पढ़ना है, नहीं आएगा। पढ़ना क्या आपको, क्वेश्चन आएंगे सेमीकंडक्टर से, पीएन जंक्शन से, फॉरवर्ड एंड रिवर्स वोल्टेज से आएगा आपको क्वेश्चन, है ना, रेक्टिफायर से आएगा। तो ये ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, सिलेबस को अध्ययन करेंगे, तब जाकर के आपको सिलेबस मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको ये सिलेबस मिलेगा कहाँ से, तो मैं आपको अब ये बताता हूँ कि ये सिलेबस आप कहाँ पर देखिए। सिलेबस के लिए आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना है DGET सिलेबस, वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ CTS कोर्सेज मिलेंगी। इस कोर्स में जाने के बाद आप इस पर क्लिक करिए, पहले कोर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आप टाइप करेंगे ट्रेड टाइप, है ना, तो आपकी जो भी ड्यूरेशन है और जो भी आपकी ट्रेड है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए बता रहा हूँ, आपको एक डेमो दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी ट्रेड्स मिलने वाली है, सारी
जितने भी ट्रेड्स का पेपर अभी होने वाला है वो सारी की सारी ट्रेड आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सर्च में यहाँ पर टाइम लग रहा है, नीचे है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, तो तब तक मैं इसमें पहुँचता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में। आप इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, है ना, आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो। ये हम आ गए, फटाफट आ जाओ ना, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग, है ना, ड्राफ्ट्समैन, मेंशन, सर्वेयर, देखिए ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पे क्लिक करिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर डाउनलोड अगेन, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड था तो मैंने यहाँ पर इसको फिर से एक बार डाउनलोड किया है, है ना, तो ये खुल जाने दीजिए थोड़ा सा, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आपको ये पता हो कि टेक्निकल का जो पोर्शन है आप कहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स को आप देखिए, ये खुल के आप यहाँ पर करिए, पीडीएफ ओपन करिए, ये हो गया पीडीएफ ओपन। अब देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे आते जाइए, तेज़ी से आते जाइए। यहाँ पर आपको एक मैं पोर्शन दिखाने वाला हूँ जहाँ से व्यापम ने सिलेबस को कॉपी किया हुआ है, तो और नीचे बस देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, व्यापम ने अपने पोर्शन में इसको कॉपी करके डाला है एज अ सिलेबस, बट ये सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। मेन सिलेबस देखिए अभी आपका आएगा, और नीचे आते जाइए। अच्छा, आपको हर ट्रेड का मिलेगा, आप फिटर हो तो आप फिटर देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन देख लीजिए, सबकी प्रोसेस देखिए, डाउनलोड करिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर लिख करके आएगा, ये देखिए ये लिख कर क्या है, ट्रेड सिलेबस। तो इसमें लेफ्ट वाला पोर्शन व्यापम ने डाला हुआ है, और जो राइट वाला पोर्शन है वो है मेन सिलेबस। तो हर ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड है जिसका भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको आप डाउनलोड करिए। लेफ्ट वाले को सिर्फ देखना है जो व्यापम ने डाला है, लेकिन राइट वाले के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। राइट वाला जो है, राइट में पोर्शन जो दे रहा है, ये वाला सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, मेहनत करिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, आई होप आपको ये बहुत ही फ़ायदा करने वाली है। जिनको पता था सिलेबस क्या है उनके लिए तो ठीक है, पर जो कन्फ्यूज थे, जिनको नहीं पता था टेक्निकल में हम क्या पढ़े, उनके लिए ये वीडियो था। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऑल